हेलो दोस्तों, स्वागत है एक न्यू वीडियो में। दोस्तों आज हम वीडियो में बात करने वाले हैं जो हमारे पोर्च के कॉलम कास्टिंग के लिए रह चुके थे। जैसा कि आप मेरी पूरी बिल्डिंग को जान चुके हो तो जो पोर्च वाले कॉलम रह चुके थे, सो फ्रेंड्स वो कॉलम कास्ट होने वाले हैं। दोस्तों वो कॉलम कास्ट इसलिए नहीं हुए थे क्योंकि डिसाइड नहीं था कि हम नीचे कॉलम के करने क्या वाले हैं। जैसे इनको, जैसे हमने ये प्लिंथ बीम डाला था, दोस्तों ये भी प्लिंथ बीम यहाँ पर कास्ट होना था जो कि ड्राइंग में मेंशन नहीं था। सो फ्रेंड्स वो हमारा डिसाइड होने के बाद में हम उस कॉलम को कास्ट करने वाले हैं। उसके लिए फ्रेंड्स हमें लेआउट करना होगा। सो फ्रेंड्स अब हम करने वाले हैं लेआउट। दोस्तों जो ये सेंटर हमारा उस कॉलम से इस कॉलम तक का जो स्क्वायर कॉलम है और ये सर्कुलर कॉलम है, तो इसका सेंटर हमारा ड्राइंग के अंदर 6 मीटर पर दिया हुआ था। सेंटर टू सेंटर 6 मीटर दिया हुआ था। सो फ्रेंड्स सेंटर टू सेंटर 6 मीटर दिया हुआ था, उसके अकॉर्डिंग ये देख सकते हैं आप 6 मीटर यहाँ पर आ रहा है और ये आउट हो रहा है। फ्रेंड्स एक बार मैं और एक बार प्लम्ब करके इसको एक बार और चेक कर लेता हूँ। सो फ्रेंड्स चेक करने के बाद भी मेरा वही सेंटर आ रहा है जो कि मैंने मार्क किया था, जो फ्रेंड्स ये 6 मीटर पर मेरा सेंटर था। अच्छा फ्रेंड्स अब ये जो 6 मीटर है, तो पहले मैं ये देख लेता हूँ कि मुझे इसकी फ्रेंड्स कवर मिल रही है कॉलम की या नहीं मिल रही। तो मैंने चेक किया, इसकी कवर मुझे नहीं मिल रही थी। सो फ्रेंड्स मैंने क्या किया, डिसीज़न लेकर के इसको अपने आप ऑटोमेटिकली 25 mm बढ़ा दिया। बिल्डिंग को छोटा नहीं कर सकते फ्रेंड्स, ये बात मैं आपको कई बार बता चुका हूँ। आप थोड़ा सा बड़ा रख दें कोई फ़र्क नहीं होने वाला, आपसे कोई कुछ नहीं कहने वाला, लेकिन आप छोटा रखोगे तो 10 लोग आपको 50 बार टोक देंगे। ठीक है फ्रेंड्स अब मैंने क्या किया, अब ये मेरा जो कॉलम है, ये पेडेस्टल मेरा 450 का था, 225 पर मैंने इसकी सेंटर की मार्किंग कर ली। आप देख सकते हो ये चारों तरफ से इस कॉलम की सेंटर की मार्किंग हो गई 225 पर। 450 का आधा होता है 225, ये देख सकते हो आप। ठीक है फ्रेंड्स 225 के सेंटर करने के बाद में अब हमें स्क्वायर सर्कुलर में इसका जो स्टार्टर है वो मुझे डालना होगा। ठीक है फ्रेंड्स अब ये मेरा कंप्लीट हो चुका, ये मेरा सेंटर मुझे पता चल गया उसके सेंटर से। ठीक है फ्रेंड्स चारों तरफ इसी तरीके से मैं मार्किंग करने वाला हूँ। तो वीडियो में बने रहें, वीडियो को पूरा देखें, वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें शेयर करें। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ मेरी वीडियो आप ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें। मैं वीडियो के अंदर बोलने के साथ साथ आपको दिखाता हूँ कि ये साइट पर क्या काम चल रहा है और कैसे होता है, कहीं भी कोई भी गड़बड़ होती है मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। A to Z सारी चीज़ साइट के माध्यम से जो भी चीज़ मुझे लगती है कि यह आपको बताना ज़रूरी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहता हूँ। तो आप वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें और अपने वेले दोस्तों को बोलें कि वो भी सब्सक्राइब मेरे चैनल को कर लें। ठीक है फ्रेंड्स अब हम इसका सेंटर निकाल चुके हैं और अब हम इसका अब फ्रेंड्स ये जो हमारा कॉलम है सर्कुलर वाला, फ्रेंड्स इसका डाया दिया हुआ है 300 mm, यानी 1 फिट का इसका डाया दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स तो अब हमने करना ये है कि चारों तरफ से इसकी मार्किंग सेंटर की कर लेनी है और उस पर पेडेस्टल स्टार्टर उस पर बना देना है। ठीक है फ्रेंड्स अब ये 150 उधर और 150 इधर लेने के बाद में फ्रेंड्स ये हमारा पूरा सेंटर निकल आया, देख सकते हो आप। ये जो बीच वाला निशान है ये सेंटर का निशान है, उससे लेफ्ट और राइट साइड 150-150 हो जाएगा ताकि हमारा कॉलम पूरा कवर हो जाए। और इधर फ्रंट साइड से देखें ये जो काट रहे हैं, अब ये पूरा हमारा 300 का स्क्वायर बन चुका है, देख सकते हैं आप लोग 300 का स्क्वायर बन चुका है। ठीक है फ्रेंड्स देखो अब इसके अंदर जो बिल्कुल सर्कुलर का डाया फ्रेंड्स हमने एक स्टार्टर बनाने के लिए एक जुगाड़ किया था,
वो मैं एक्सपेरिमेंट करना चाहता था, वो एक्सपेरिमेंट मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाने वाला। एक्सपेरिमेंट क्या, वो जिसमें स्टार्टर भरे जाने वाले हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा किस तरीके से स्टार्टर भरे गए हैं और थोड़ा सा बताऊंगा अभी उसके बारे में। ठीक है फ्रेंड, तो अभी आप लेआउट देख लो। तो ये लेआउट हमने ड्राइंग के अकॉर्डिंग कर लिया है, ये एक कॉलम का हो गया। अब इसी तरीके से हमारे जो आगे पोर्च में चार कॉलम फ्रेंड्स दे रखे हैं। अब ये जो सेंटर का बीच वाला मार्क है फ्रेंड्स, इससे हमें दूसरे कॉलम के सेंटर पर पहले हम ये चेक कर लें कि ये वाला इस तरफ का जो हमारा सेंटर टू सेंटर इसका हमने जो कास्टिंग कर रखी है इस सेंटर टू सेंटर इसका कंप्लीट है या नहीं। जो हमारी डाया दे रखी थी फ्रेंड्स वो दे रखी थी, जो हमारा मिलीमीटर दे रखा था, एमएम दे रखा था, वो 5910 यानी 5910 दे रखा था। अब यही यहाँ पर भी हम उसका 5910 का मार्क कर देंगे। सो फ्रेंड्स, अब मुझे यहाँ पर इक्वली तरीके से दोनों तरफ डिस्टेंस बराबर मिल रहा है, सेंटर पर कवर मिल रहा है। ठीक है फ्रेंड, सेंटर पर कवर मिल रहा है तो अब मुझे आसानी होगी कि मुझे इसमें कोई भी बढ़ाना और छोटा नहीं करना पड़ेगा। उस तरफ भी मेरा बराबर था और मेरा इस तरफ भी बिल्कुल मेज़रमेंट बराबर था। ठीक है फ्रेंड्स, अब जैसे उस कॉलम पर किया था उसी तरह, ठीक उसी तरह इस कॉलम पर भी ऐसे ही करेंगे। अब हम उस पर भी 5910 हम इसको सेंटर टू सेंटर कवर करेंगे। तो दोस्तों, मेरा ये वाला कवर जो आया था वो बहुत ज़्यादा अलग आया था, यानी कि पहले हॉरिजॉन्टल शेप में मुझे कवर नहीं मिल रही थी, अब मुझे वर्टिकल शेप में इसकी कवर नहीं मिल रही। सो फ्रेंड्स, मुझे थोड़ा सा इसको भी 10 या 15 mm लगभग बढ़ाना पड़ेगा। कम नहीं कर सकते फ्रेंड्स, हम बढ़ाएंगे। मैंने आपको पहले भी बताया ये हमारा कवर 10 mm का मुझे कवर लेना पड़ेगा ताकि मेरा कॉलम सही तरीके से ढक जाए। देख सकते हो आप, कवर नहीं मिल पा रहा मुझे ठीक तरीके से, तो मैं इसको थोड़ा सा 10 mm बढ़ा लूँगा ताकि मुझे सही तरीके से कवर मिल जाए। और ऊपर की तरफ मैं इसमें बांस लगा करके, इसमें सपोर्ट जैक लगा करके इसको थोड़ा टेढ़ा करके और वो सही तरीके से अपने साइज़ पे इक्वली कास्ट हो जाए। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे मैंने उस तरफ 6 मीटर 25 mm लिया था, 25 mm जो मैंने एक्स्ट्रा लिया था, वही काम हम इस तरफ भी करने वाले हैं ताकि हमारा गुनिया बना रहे। ठीक है फ्रेंड्स, गुनिया यानी डायगोनल शेप में वो बना रहे। देखिए फ्रेंड्स, वही काम मैंने किया, एक ही यहाँ भी मुझे कवर नहीं मिल पा रहा है। देख सकते हैं आप लोग, ये मैंने 25 mm बढ़ा दिया, अब मुझे कवर ठीक से मिल जाएगा। और मैं थोड़ा सा लेफ्ट या राइट साइड की तरफ उसको गिरा करके ऊपर के पोर्शन में मेरा कवर इक्वली पूरे राउंड शेप में 300 mm के डाया में इक्वली बराबर मिलेगा। देख सकते हो आप, मुझे कवर मिल चुका है। देख सकते हैं आप लोग, ये 300 का, इसी तरीके से हम 300 का इसको स्क्वायर बना लेंगे 300 mm डाया का, और उसके ठीक राउंड शेप में यानी कि उसके घेर से इसको हम इसका स्टार्टर हम कास्ट कर देंगे और ठीक उसी स्टार्टर पर हम कॉलम रख देने वाले हैं, कास्ट कर देने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ आपको वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। बहुत ज़्यादा अगर पसंद ना आई हो तो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आपके लिए रही होगी, और अगर आपको ज़रा भी इन्फॉर्मेशन वीडियो रही है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें। अब देख सकते हो इसी तरीके से पूरे सारे कॉलम एक सूत में हो जाने वाले हैं, ये सारे एक साथ, ये देख सकते हैं आप लोग, सारे कॉलम एक साथ हो जाएंगे, बिल्कुल सूत में होने चाहिए। ये भी ज़रूरी है, हमें ये वाला काम करना बहुत ज़रूरी है ताकि हमारे सारा जो फेस है वो एक सूत में मिलना चाहिए, चाहे वो बढ़ गया हो या बाय मिस्टेक छोटा हो गया हो, बट एक सूत में हमें मिलना चाहिए, ये ज़रूरी रहता है ताकि कोई अगर आकर के देखे तो आप पर उंगली ना उठा सके और वो गंदा ना लगे। ठीक है फ्रेंड, तो ये सारे तरीके से सूत में हो चुके हैं और इसी तरीके से हमने इसकी मार्किंग की है। तो ये था दोस्तों पूरा प्रोसेस लेआउट का, पोर्च वाले कॉलम का, जो हमारी ड्राइंग के अकॉर्डिंग दिया था। आपके पास क्या दिया है आप कमेंट बॉक्स में करके मुझसे पूछ सकते हैं कमेंट करके, अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब करें। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा देखा करें, वीडियो को स्किप ना किया करें।
अब मैं ये गुनिया भी चेक करके दिखवा देता हूँ आपको। देखिए सही तरीके से ये गुनिया में पूरा स्क्वायर हमारा बन चुका है, आप देख सकते हो। कैसे भी रख लो इसको, चारों तरफ से गुनिया में हमारा ये थोड़ा सा आउट है, अभी इसको हम काट करके ठीक कर देंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो दोस्तों मैं आपको ज़्यादातर वीडियो में बताने के साथ साथ पूरी वीडियो का पूरा फुल प्रोसेस दिखाता हूँ। तो बहुत कम चैनल हैं ऐसे, बहुत कम क्या, मेरे ख्याल में कोई और चैनल भी नहीं है ऐसा जो आपको पूरा प्रोसेस दिखाने के साथ साथ पूरा प्रोसेस बताता भी हो। तो दोस्तों इसीलिए कहता हूँ पूरी वीडियो को देखा करो, स्किप ना किया करो, और ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लिया करो। और 3 से 4 साल का एक्सपीरियंस तो आपको वैसे ही मेरी वीडियो देख करके मिल जाना है। और कहीं भी इंटरव्यू में अगर फंसो तो बहुत सारी चीज़ें, प्लम्बो चलाना, मतलब A to Z चलाना चीज़ें आप सीख सकते हो। आपको साइट पे भी जाने की ज़रूरत नहीं है, तो आप साइट पे जाएं और टाइम वेस्ट करें, आप यहाँ पर भी इस तरीके से वीडियो देख सकते हो। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अस्सलाम वालेकुम।